हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि मैं नलकों की सफ़ाई कैसे करती हूं। ये नलका वॉशिंग मशीन का नलका है, जो कि मैं इसे बार बार नहीं साफ़ कर पाती हूं, तो 6 महीने में एक ही बार साफ़ करती हूं, क्योंकि मशीन को बार बार मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस नलके की आज मैं सफ़ाई करने वाली हूं, जो कि आपके साथ भी शेयर करने वाली हूं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली हो। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैं नलके की सफ़ाई कैसे करती हूँ। जंग लगे पुराने नलकों की सफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है SKP स्प्रे ऑन। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, स्टील के रैक हो गए या नलके हो गए। तो यहाँ पर मैं लगभग 2 चम्मच के आसपास ये सॉल्यूशन ले रही हूँ, और प्लास्टिक के बाउल में ही लेना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है, और हाथों में मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई छींटा वगैरह हाथ में ना पड़े। और इस तरीके से मैंने ये झाड़ू की सीक ले ली है, क्योंकि मैं इस ब्रश से नहीं साफ़ करूँगी, उससे छींटे लग सकते हैं चेहरे या आँखों पर। तो मैं बस ये कॉटन का टुकड़ा लिया है, और इससे इस तरीके से रोल रोल करते हुए एक सॉफ्ट सा ब्रश बन जाता है। तो ऐसे मैंने इसे एक सॉफ्ट सा ब्रश बना लिया है। अब इसकी हेल्प से मैं नलके के जो टूटी है जंग लगी उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसे हल्के हल्के से लगा दूँगी। इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि किसी भी तरह का कोई छींटा हमारे हाथ हो या आँख हो या चेहरे पर नहीं गिरता है। तो मैं ऐसे ही इसी ट्रिक से इसे क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जहाँ जहाँ जंग लगा है पूरे ही नलके में लगा दिया है। इस सॉल्यूशन की एक ख़ास बात है कि नलकों पर किसी भी तरह का या किसी भी स्टील की जो हमारे चीज़ें होती हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और इससे हम पुराने दरवाजे हैं उनके ऊपर पेंट वगैरह निकालना हो तो भी इंस्टेंटली निकाल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। तो बस इसे मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन को लगा दिया है, और लगभग 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट छोड़ने के बाद इसे हल्के हल्के से रब करना है। अभी मैंने हाथों में ग्लव्स पहने हैं, इसी वजह से मैं हाथों से ही डायरेक्टली उसी कॉटन के फोहे को स्क्रब कर रही हूँ हल्के हल्के से। दरवाजों से पेंट कैसे निकालते हैं तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप पुराने दरवाजे को अपना नया लुक देना चाह रहे हैं, पुराना पेंट निकालना चाह रहे हो, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मैं किसी भी स्क्रबर से इसे हल्का हल्का सा, उसमें कोई भी डिटर्जेंट लगा के हल्का हल्का सा स्क्रब करना है। तो लगभग 1 या 2 मिनट स्क्रब करने के बाद इसे पानी से धो लेना है, और नल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में ये नल बिल्कुल नया जैसा हो गया है। और कितना आसान है इसे साफ़ करना, किसी भी तरह का कोई ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बड़ी आसानी से नल साफ़ हो जाते हैं। तो इस टिप को आप भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।